मजा आ रहा है दिल्ली, अभी हैविंग अ गुड टाइम। तेरा भाई बेटे मेरे दिल्ली वाले, हॉर्न ओके प्लीज। सो दिल्ली चैनल। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। तो दिल्ली में हो रहा है इवेंट और मैं वहाँ ना जाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं आ गई हूँ जेएनएन स्टेडियम में, जहाँ लगा हुआ है हॉर्न ओके प्लीज फूड फेस्टिवल। तो कब तक ये फूड फेस्टिवल है, क्या टाइमिंग है इसकी, पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, टिकट प्राइस क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें खा पी सकते हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट लाइनअप हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं हॉर्न ओके फूड फेस्टिवल इन्जॉय करने। तो जैसा कि मैंने बताया कि हॉर्न ओके प्लीज फूड फेस्टिवल लगा हुआ है जेएलएन स्टेडियम में, और एंट्री इसकी है गेट नंबर 2 से। पार्किंग आपको इसकी मिल जाएगी गेट नंबर 6, 7, 8 और 9 पे, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका है जेएलएन स्टेडियम, और गेट नंबर 3 से आपको एग्जिट करनी है यहाँ आने के लिए। तो इस इवेंट की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और आप यहाँ से बॉक्स ऑफिस से भी ले सकते हैं। बाकी आप पेटीएम इनसाइडर से भी इसकी टिकट बुक कर सकते हैं, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने पेटीएम इनसाइडर से बुक करी है तो आप इसके आगे वाला जो बॉक्स ऑफिस है वहाँ से अपनी टिकट ले सकते हैं। तो मैंने अपनी टिकट बुक की थी पेटीएम इनसाइडर से, तो यहाँ वाले बॉक्स ऑफिस से हमने अपनी टिकट कलेक्ट कर ली, और ये रही हमारी टिकट। अब चलते हैं अंदर, और ये है वो सभी आर्टिस्ट जो लाइनअप है आगे आने वाले दिनों के लिए, कि किस किस दिन आपको कौन कौन आर्टिस्ट मिलेंगे और किस टाइम उनके शोज होंगे, वो सभी यहाँ पर मेंशन है। तो एंट्री करते ही यहाँ पर बने हुए थे कुछ सेल्फी पॉइंट्स, जो कि आप देख सकते हो। 360 कैमरा वाले भी हैं यहाँ पर, ट्रूली मेडली का भी है, और आगे ऑफकोर्स हॉर्न ओके प्लीज है, तो उसका भी बना रखा है सेटअप कि आप वहाँ पे अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं अपनी। तो सबसे पहला स्टॉल था अनलिमिटेड ग्रीन्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पिक योर ग्रीन्स। तो इनके पास छोटे बड़े हर तरीके के पौधे थे, और स्टार्टिंग रेंज थी इनकी 50 रुपीज़, और मैक्सिमम जाती है 2.5 लाख तक। और यहाँ पर एक्सेसरीज भी थी कि आप अपने छोटे छोटे पौधों को डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 60 रुपीज़। वेराइटी आप इनके पास देख सकते हो। द नेक्स्ट स्टॉल था गर्मा गर्म टी शर्ट, जो कि आप इससे पहले जो हॉर्न ओके हुआ था वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप कैप्स ले सकते हो, इस तरीके की टी शर्ट्स ले सकते हो, और प्राइजेज इनके हैं, अगर आप कॉटन टी शर्ट पे लेते हैं तो आपको 350 का पड़ेगा, और अगर आप सरीना टी शर्ट पे अपना प्रिंट करवाते हैं इस तरीके के कुछ ग्राफिक्स, तो वो आपके पड़ेंगे 300 के। और ये लोग हैंड टू हैंड आपको वहीं कस्टमाइज़ करके आपकी टी शर्ट दे देते हैं। देन यहाँ पर हो रही थी फेस पेंटिंग, ग्लिटर आर्ट और नॉर्मल आर्ट, प्लेन ब्रेड्स भी थी, एक्सेसरीज के साथ भी थी, और प्राइजेस आप देख सकते हो सबके मेंशन है। तो ये स्टॉल था अहान्या ज्वेल्स एंड बियॉन्ड का। सो आई एम फ्रॉम अहान्या ज्वेल्स, वी आर इनटू 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी। ओके, सो ऑल द ज्वेलरी दैट यू कैन सी हियर, दिस इज ऑल 92.5 सिल्वर। वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेकलेसेस, सम ब्यूटीफुल इयररिंग्स, वी हैव ट्रेडिशनल स्टाइल एंड मॉडर्न, एंड वी हैव दीज ब्यूटीफुल रिंग्स हियर। Some new additions we have done, which are these sui dhaga earrings, which are very much trending these days. So we have lot of designs in these. We have bracelets here with eagle eye also. Some anklets are there. And all our jewelry is hallmarked 92.5. Next stall hai Color the Moments, जिसमें आपको journals मिल जाएंगे, planners मिल जाएंगे, बहुत ही creative तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी इनके पास आपकी माइंडफुलनेस के लिए। प्राइजेस सबके मेंशन हैं कि नोटपैड का क्या प्राइस है,
बुकमार्क का क्या प्राइस है, स्टिकर शीट्स का क्या प्राइस है, सब इसके आगे मेंशन है। बाकी जो ये कप्स आप देख रहे हो इनका प्राइस है 350 ईच। बाकी इनके पास पोस्ट कार्ड्स भी थे, नोटबुक्स भी थी जिनके प्राइस मेंशन है। अगर आप चार लेते हैं तो आपको वो 199 की पड़ेंगी, और अगर आप नोटबुक लेते हैं तो आपको दो पड़ेंगी 299 की। नेक्स्ट ऑल है आर्गमैक का, और इनके पास थी ये एक्रेलिक लाइट्स जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी वेराइटी है। तो इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 2000 से और मैक्सिमम थी 3000, और ये कस्टमाइज़ कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग, और विद इन 2 or 3 weeks ये आपको डिलीवर भी कर देते हैं। और ये है इनका इंस्टाग्राम हैंडल। नेक्स्ट ऑल है वुड गली का, इनके पास सारे ही आइटम जितने भी थे वो सब वुड से बने हुए थे। ये फ़ोटो फ्रेम्स आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की वॉल आर्ट्स देख सकते हैं, हैंगिंग्स थी इनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, इस तरीके की टेबल साइड टेबल पर रखने के लिए चीज़ें थी। की चेन्स जो थे वो 50 रुपीज़ के थे, नीचे आपको जो ये वुडन में बुकमार्क दिखाई दे रहे हैं ये 100 रुपीज़ के हैं। ऑप्शन इनके पास काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में थे। इस तरीके की वॉल हैंगिंग आप देख सकते हैं जो कि 250 की है। मैग्नेट्स इनके पास थी 80 रुपीज़ में, फ्रिज मैग्नेट्स थे इनके पास, वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। इस तरीके के वॉल हैंगिंग्स थे इनके पास 250 के अच्छे अच्छे कोट्स में, तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। सो वी हैव अ फुल मेन्यू हियर, वी आर फ्रॉम कोको लव बाय वानी, दैट्स आवर पेज। वी हैव ब्रुकीज हियर विच आर ब्राउनी बाइट्स, बेल्जियन चॉकलेट ब्राउनी बाइट्स विच इज़ कस्टमाइजेबल विद एनी टॉपिंग। वी ऑल्सो हैव ब्रुकीज, इज अ फ्रेशली बेक्ड न्यूटेला और लोटस बिस्कॉफ स्टफ, एंड दीज आर वी हैव केक जार्स, सो लेमन ब्लूबेरी फॉर समवन हु इज नॉट अ चॉकलेट पर्सन, एंड मैंगो चीज़ केक। ऑल ऑफ इट्स फ्रेश एंड बेक्ड टुडे इटसेल्फ, असेंबल्ड हियर। That's also our contact card. We function from a home bakery in Delhi, and we do customized cakes for any occasion. So, and we deliver. Thank you so much. The next stall hai Tog and Trim ka. Inke paas t-shirts thi, aur ye customize bhi kar dete hain t-shirt. Variety aap dekh sakte ho inke paas, aur prices bhi normal hi hain, jaise normal market mein milte hain wahi price hain. बाकी आप देख सकते हो कि क्या कौन सी टी शर्ट किस प्राइस की है। अगर आप प्लेन टी शर्ट लेते हो तो 450 की पड़ेगी, पोलो लेते हो 750 की पड़ेगी, हर किसी का प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉल है नंदेश्वरम ज्वेल्स का, और इनके पास भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी ज्वेलरी की, चाहे वो एंकलेट में हो या फिर नेक पीसीज हो, सबका प्राइस उनके आगे मेंशन है, आप देख सकते हो। बाकी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, प्राइस थोड़ा ओवर था ऑफ कोर्स, उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ तो उसके भी पैसे देने उन्होंने। बाकी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी इनके पास। देन नेक्स्ट है डूडल हट, और इनके पास वॉल आर्ट, फोटो फ्रेम्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थे विद डिफरेंट डिफरेंट कोट्स कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। फ्रिज मैग्नेट्स थे इनके पास, तो सिंगल आपको पड़ेगा 150 का, और अगर आप दो का पेयर लेते हैं तो आपको वो पड़ेगा 250 का। द नेक्स्ट स्टॉल है जेस्टा नियॉन, और इनके प्राइस यहाँ पर मेंशन है कि किस साइज़ की लाइट आपको किस प्राइस में मिलेगी वो सब मेंशन है। बाकी इनके यहाँ पर ऑफ़र भी है फ़िलहाल हॉर्न ओके फेस्ट के लिए, अगर आप दो नियॉन लाइट्स लेते हैं तो आपको 5% का ऑफ मिलेगा, और अगर आप तीन लेते हैं या तीन से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। बाकी वैरायटी आप देख सकते हो, स्टॉल यहाँ पर बहुत सारे हैं, और अगर एक एक करके सब दिखाए तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देन इस स्टॉल पर कुछ डिफरेंट था, तो जो ये ज्वेलरी बनी हुई है ये बिल्कुल वुडन से बनी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और क्लासी लग रही थी। बाकी प्राइस भी इसका बहुत ही ज़्यादा हाई था, जो ये ब्लू वाली है इसका प्राइस था 2499, और सबसे लोएस्ट प्राइस जो था वो यहाँ की ईयरिंग्स का था जो कि था 499, जो कि ईयरिंग्स आप देख सकते हो ये वाले, इनका प्राइस है 499।
देन नेक्स्ट है यहाँ पर ये अतर दरबार, जिनके पास वैरायटी ऑफ इत्र थे। तो अगर आप 6 ml की बॉटल लेते हैं तो वो आपको 350 की पड़ेगी, और वहीं अगर आप 12 ml की बॉटल लेते हैं तो वो आपको 550 की पड़ेगी। द नेक्स्ट स्टॉल है फुलजन कैंडल्स का, और इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कैन कैंडल्स थी। स्टार्टिंग प्राइस इनका था 50 rupees, जो सबसे छोटी वाली कैंडल्स आप देख रहे हो वो सब 50 rupees की है, और मैक्सिमम इनके पास थी 1500 की। तो अब चलते हैं इसके गेम्स एरिया में। तो इसकी टिकट है 100 rupees ईच, आप जो भी गेम खेलोगे उसकी 100 rupees टिकट है। सबसे पहला गेम यहाँ पर है एम द पिरामिड, द नेक्स्ट है रिंग द बॉटल, फिर इसके बाद आता है स्पॉट द नंबर। कुछ नंबर लिखे हुए हैं इनके पास, अगर वो नंबर आपके आ जाते हैं तो आपको सामने रखे हुए गिफ्ट्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद आता है डेयरिंग डार्ट्स, और सबका प्राइस जितने भी गेम्स हैं सबका प्राइस 100 rupees है। नेक्स्ट गेम है बास्केटबॉल, तो आपको 3 राउंड मिलेंगे जिसमें आपको 70 points बनाने हैं, और सामने जो आपको बास्केट दिखाई दे रही है उसमें आपको बॉल फेंकनी है। द नेक्स्ट है फीड द जॉकर, और आप ये वाली राइड भी इंजॉय कर सकते हैं 150 rupees में, और 2 मिनट का टाइम है इसमें। बाकी बहुत ही ज़्यादा सर घुमाने वाली राइड है ये, बाकी वन टाइम एक्सपीरियंस है तो एक बार तो इसको ट्राई करना आपका बनता ही है। तो यहाँ था नेल हब बाय प्राची, जहाँ पर फेस पेंटिंग, हेयर रैप, टेम्परेरी टैटू सब हो रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो फेस पेंटिंग चल भी रही है यहाँ पर, और दूसरी तरफ भी फेस पेंटिंग हो रही है। देन यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग हो रही थी, और अगर आप बिलीव करते हैं नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कि मैं इन चीज़ों में बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। देन यहाँ पर हो रही थी हेयर ब्रीडिंग, और इस तरीके की कुछ क्रिएटिव चीज़ें। तो ये था ट्रूली मेडली का कैफ़े, जहाँ पर आप वर्चुअल डेटिंग या 2-3 मिनट्स वाली डेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, बाकी प्यार तो आप देख ही सकते हो हर जगह पर फैला ही हुआ है। इस तरीके की लॉक्स भी लगा रखे थे लोगों ने अपने लव्ड वंस का नाम लिखकर। यहाँ पर वही 3 मिनट वाली डेटिंग चल रही थी कि अगर आपकी वाइब मैच होती है या नहीं होती, तो यहाँ उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रेडबुल का भी स्टॉल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सो डेली तो ऑफ कोर्स इसकी स्पॉन्सर है ही, तो उनका कैफ़े भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। केवेंटर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये है उनका मेन्यू कि क्या चीज़ आपको किस प्राइस में मिल जाएगी, वो सब यहाँ पर मेंशन है। देन मदन लाल हलवाई फ्रॉम लाहौर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और उनका मेन्यू भी सामने है कि क्या चीज़ किस प्राइस की है। देन ड्रिपिंग डोज का कैफ़े का भी आउटलेट आपको यहाँ मिल जाएगा, और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो सब इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले में रख रखी है, आप देख सकते हो। देन अलनूर भी मिल जाएगा आपको फ्रॉम दिल्ली 6। देन द बॉम्बे प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी चीज़ आपको मेन्यू में दिख रही है वो सब आपको मिल जाएंगी, एंड देन डिस्प्ले में भी इन्होंने रख रखी है यहाँ पर। ऑप्शंस यहाँ पर बहुत है, ऑफकोर्स फूड फेस्टिवल है तो आपको फूड तो मिलना ही है, और ऑप्शंस नेक्स्ट लेवल है। देन यहाँ आपको रिफेक्शंस कैफ़े भी मिल जाएगा, और उसकी चीज़ें भी दिख रही हैं डिस्प्ले में कि आपको क्या क्या खाने को मिल जाएगा यहाँ पर। स्पाइस ऑफ पिंड का आउटलेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये है उसका मेन्यू कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको खाने पीने को यहाँ मिल जाएंगी, वेज और नॉन वेज दोनों में ही, और प्राइजेस भी सबके मेंशन है उनके आगे।
देन आपको वॉफल किंग भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो खाने की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर इतनी वास्ट वैरायटी है फूड आउटलेट्स की कि आपको ही समझ नहीं आएगा कि आपको खाना कहाँ से है। एंड लिक्योर में भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, बीरा का पूरा आउटलेट मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और मेन्यू आपको दिख ही रहा है सामने कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। देन यहाँ पर था टॉप्स का सेल्फी बूथ जहाँ पर 360 कैमरा लगा हुआ था, तो आपको दारूदी गड्डी भी मिल जाएगी यहाँ पर, और इस तरीके कुछ क्रिएटिव सेल्फी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे आपको आपकी अच्छी अच्छी फोटोज़ क्लिक करने के लिए। Horn okay please, 10th edition, powered by Bhutani Infra. We are here to make sure we all enjoy. Everybody, sab log zara thoda thoda sa shor macha do yaar, make some noise. I love the vibe man, Delhi ki vibe hi alag hai yahan par. पतला बलोरी ओदे नैन नैन कन्नी चुम के हुलारे ओदे लैन लैन गल्ला ओ गल्ला कर दी शायद दो सारी दुनिया री, मैं तेरी छोड़ी।
everyone. मैं आज मैं तेरे नाल मैं थोड़े बिना गा नहीं सकदा मैं इकरार मैं दिलों शुक्रिया करता फॉर लिसनिंग टू हर आपने हर म्यूजिशियन को एंजॉय किया एक बार अपने लिए तालियां मारी है आप सब लोग क्योंकि मैं पीछे बैठा सुन रहा था कि आपने जैज भी सुना है पंजाबी भी सुन रहा आप सबको सुन रहे हो यार है ना आप इतने अमेजिंग लोग हो तो अगला गाना फॉर ऑल द लव बर्ड्स एंड ओ तेनू कहण वाली यार आई
लैनी एक चीज तेरे वल रहती है ओ तेनू कहण वाली यारा एक गल रहती है तेनू लैनी एक चीज तेरे वल रहती है मैनू दे जा पूरा एक साल लगा के पूरा शो रिक्रिएट किया था और उसका अगला सीजन 2 महीने में आ जाएगा आप सबके लिए लेट्स सिंग टुगेदर ओ सोचे आसी की ते की हो गया ए साडी वारी अब सो गया ए करी किथे जाइए की दे कोलो मन की ए दुआ ओ सोचे आसी की ते की हो गया मेनू छेती छेती मिल ढोलना मैं तो ठीक नहीं हां तेरे लड़ी एक चीज तेरे वाली रहती है मैनू दे जा तू दीदार